गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, वेलकम टू स्किल इंडिया चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि घर के लिए डोर फ्रेम जो है वो हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं अपने आप। इस चैनल के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी आपको मैं वीडियो डालूंगा कि हाउस वायरिंग जो है वो कैसे करी जाती है, क्योंकि एक ITI करने वाले को जो है वो ऑलराउंडर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको एक आदत बनानी है। अगर आप ITI कर रहे हैं तो शुरू से ही कोई ना कोई टूल जो है वो आप अपना जो है वो खरीदें। इस काम को करने के लिए जो है मैंने ये डिवॉल्ट का कटर जो है मैंने लिया है, और ये काम जो है वो मुझे आगे भी आता रहेगा। तो आप भी एक आदत बनाएं अपनी कि छोटे छोटे टूल जो आपको घर में ज़रूरत पड़ रही है, जैसे ड्रिल मशीन हो गई, खुद की अगर होगी तो आप अपना पैसा भी बचा सकेंगे, और अपने घर में कोई आपने घड़ी लगानी है और कोई काम करने हैं तो उससे जो है वो आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर के लिए जो है वो डोर फ्रेम जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। तो ये हमने 7x3 का जो है हमने ये डोर फ्रेम बनाना है। तो ये हमने 7x3 का जो है वो डोर तैयार करना है, और ये जो मटेरियल है ये GI का है। इसमें आपका ये जो ये ग्रूव जो है इसका दरवाजे के लिए, ये इसमें जो है वो बना बनाया आता है पहले का ही। और इसको मैं इसलिए लगा रहा हूँ, इसका बेनिफिट ये है कि ना तो इसमें जंग लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे घर के एरिए में जो है वो दीमक बहुत है, तो हमारे बहुत सारे जो फर्नीचर है वो दीमक ने खा लिया है। तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है यहाँ पर GI की चौखट का जो है वो डोर फ्रेम बना रहा हूँ। आजकल जापानी शीट भी एक चली हुई है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे बहुत कम लगी, क्योंकि उसकी जो गेज रहती है वो बहुत पतली रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 फुट के ऊपर जो है इसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो है 7 फुट जो है वो यहाँ पर हो रहा है, और फिर मार्क करने के बाद जो है आपने ट्राई स्क्वायर से जो है वो इसको लंबा इसको निशान को जो है वो लगा लेना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये जो फ्रेम है थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आप ट्राई स्क्वायर को रख के जो है इस निशान को जो है थोड़ा सा लंबा कर लें, ताकि आपको ब्लेड से काटती बार जो है आपको ये साफ साफ दिख जाए। उसके बाद आपने इसको फ्रेम, ये जो आपका ब्लेड है कटर, इसको जो है आपने बिठा के देखना है कि ये कटिंग जो है, या आपने जब भी आपने ये रखना है तो जो आपने निशान लगाया है वो आपकी साइड को होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हम जो है उसका यहाँ पर हमने जो है ये इसको रख लिया है, और उसके बाद जो है आपने इसको वाइस को जो है वो आपने टाइट कर लेना है। और यूज़ करने के लिए आपने जब इसका यूज़ करें तो आप सेफ्टी गॉगल्स का जो है वो ज़रूर प्रयोग करें। तो अभी हम जो है उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करती बार आप ध्यान में रखें कि ये पीस जो है वो बहुत लंबा होता है, तो इसके दोनों सिरों के ऊपर जो है ईंट या कोई ब्लॉक वगैरह जो है वो रख लें, ताकि इसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन ना हो। दूसरी साइड में भी हमने ऐसे ही किया है, दूसरी साइड में भी आप ऐसे ही इसको रख लें। उसके बाद जो है इसकी कटिंग कर लें आप। तो ये जो है हमारी कटिंग जो है वो हो गई है। अभी हम दूसरी साइड वाला भी 7 फुट का ही काटेंगे, और फिर हम टॉप का जो फ्रेम रहती है उसको काटेंगे। इसके बाद जो है हमने आमने सामने वाली दोनों फ्रेम जो है हमने काट ली हैं। अब हमने जो टॉप के लिए काटना है ये हमने बनाना है 7x3 का, लेकिन हमने जो टॉप में जो पीस काटना है उसको जो है हमने दोनों साइडों में जो है वो
बाहर रखना है ताकि ईंटों के बीच में जो जगह फंसती है, तो हम इसके लिए जो है इसको 45 इंच के ऊपर जो है वो काटेंगे। तो हमने यहाँ पर 45 इंच का निशान लगा लिया है, उसके बाद हम ट्राई स्क्वायर से जो है इसको पक्का कर लेंगे। और इसके बाद जो है, तो अभी इसके बाद जो है अपने वाइस को जो है वो टाइट कर लेना है और फिर ऊपर वाला पीस जो है वो अपने कटिंग कर लेनी है। तो ये टॉप का पीस भी हमारा कटिंग करके तैयार हो गया है। इसके बाद जो है हम इसको वेल्डिंग करेंगे और इसका पूरा फ्रेम जो है वो तैयार करेंगे। बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। तो इस वीडियो इसके बाद जो है आपने ये जो 45 इंच का पीस काटा है उसको इस तरह से टॉप में रखना है और जो आपने 7 फुट के जो पीस काटे हैं उसको आपने इस तरह से डोर की शेप में जो है वो बनाकर रखना है और एक फर्मा या कोई भी पाइप जो है वो 3 फीट की काट के जो है इस पताम के बीच में जो है वो आर पार रख लेनी है। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला पीस है इसको आपने लगभग 3.5 इंच जो है वो बाहर की साइड को रखना है, इस साइड में भी 3.5 इंच और इस साइड में भी आपने इसको 3.5 इंच जो है वो बाहर की तरफ को रखना है ताकि ये वाला भाग जो है वो ईंट के बीच में चला जाए। उसके बाद जो है आपने इस ऊपर वाले पीस में जो है वो इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, बाहर वाली साइड से भी और अंदर वाली साइड से भी, क्योंकि हमने जो है इसके बीच में जो है वो खांचा काटना है हमने इसकी सीध में जो है वो इतना जो है वो पीस को जो है वो अपने निकाल देना है ताकि ये वाला जो पीस है वो यहाँ आकर हमने जो है वो टच कराना है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी आपने निशान लगा लेना है और इस साइड में भी आपने निशान लगा लेना है और इस ऊपर वाले भाग में जो है वो आपने आर पार जो है वो निशान लगा लेना है, क्योंकि इस तरफ का भी हमने जो है खांचा इसके बीच में जो है काटना है और ये वाला पीस जो है वो यहाँ पर मिलाना है। अब हम इसके बीच में जो है वो इसको खांचे को काटेंगे। खांचे को जो है वो आपने इस साइड में भी गहरा कर लेना है, जितनी इसकी गहराई है यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही गहरा जो है वो आपने यहाँ पर भी जो है इस तरह से मार्क कर लेना है और ये जो है वो दोनों साइडों में जो है वो हमने मार्क कर लिया है, ये देख सकते हैं आप, इसको जो है वो उतना गहरा जो है हमने काटना है। अब हम इसको मशीन के अंदर रख के जो है वो काटेंगे। 1 इंच के पाइप का पीस जो है वो यहाँ पर फंसा लेना है, जिसको इसको फंसाने से फ़ायदा ये रहता है कि ये जो कट है जितना गहरा यहाँ होता है उतना ही गहरा जो है वो यहाँ इस साइड में भी बन जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ ये पीस जो है वो यहाँ पर फंसा लिया है। इसके अलावा आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं इसको गहरा, अगर आपके पास दूसरा कटर है तो दूसरे कटर से भी आप निशान लगा के जो है वो काट सकते हैं। अभी हमने इन दोनों कटों को जो है वो मिला के इस वाले पीस को जो है वो निकाल देना है।
अभी हमने ये पीस जो है इसमें से काट लिए हैं, इस साइड का पीस भी काट लिया है और दूसरी साइड वाला पीस भी हमने इसको जो है वो काट लिया है। इस कटर को जब आप चलाते हैं तो इस कटर को जो है वो बिल्कुल मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे चलाते हैं तो एक हाथ से आपने इसको पकड़ना है और यहाँ पर रखना है हाथ, यहाँ पर नहीं रखना है, पीछे नहीं रखना है, यहाँ पर पकड़ना है आगे और इस तरह से जो है वो मजबूती से पकड़ना है, क्योंकि कई बार जो है ये बैक प्रेशर लगाता है। तो इसको चलाती बार ये आपने सेफ्टी जो है वो रखनी है। इसकी जगह आप एंगल ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, ये टाइल कटर है, इसमें पकड़ने में थोड़ा अच्छा रहता है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो ये कटर हमने लगा लिया, उसके बाद हम इसको रख के देखेंगे। और फिर तो अभी हमने इसके बीच में जो है ये खांचा जो है वो काट लिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मिल गया है। इसके बाद जो है हम इसमें वेल्डिंग करेंगे और दूसरा कोना भी आप देख सकते हैं कि दूसरा कोना भी जो है पूरी तरह से जो है वो मिल गया है। और अभी इसके बाद जो है हम यहाँ वेल्डिंग करेंगे और हमारा दरवाज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वेल्डिंग करने के बाद हमने थोड़ी सी फिनिशिंग देनी है इसमें और ये तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमने फ्रेम को जो है वो इस तरह से रख लेना है। फ्रेम जब आपने रखने हैं तो उसके बाद जो है आपने इस तरह से ट्राई स्क्वायर से जो है वो राइट एंगल चेक कर लेना है दोनों साइडों का, और इसी तरह से आपने इस साइड का भी राइट एंगल जो है वो चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है वो आपने वेल्डिंग जो है वो करना है। तो वेल्डिंग के लिए हमारे पास ये आई बेल का सेट है और ये लगभग मैंने 6,000 रुपये का लिया था और आज की डेट में जो है इसकी कॉस्ट जो है वो पूरी हो गई है, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे काम जो है वो इसी वेल्डिंग सेट से करता हूँ। इसके बाद जो है वो हमने वेल्डिंग करनी है। ये टांगें जो हैं इसकी, जो फ्रेम है ये पूरी तरह से सीधा रहे, इसके लिए हमने दो तीन तीन फीट के पीस जो हैं वो, एक पीस जो है वो यहाँ पर रख लिया है और एक पीस जो है वो आप वहाँ पर पीछे देख सकते हैं, पीछे रख दिया है ताकि इसका जो साइज़ है दोनों साइडों में जो है वो बराबर रहे। इसके बाद जो है आप जो है वो इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। वेल्डिंग करती बार ये जो फेस है आपका अंदर, इस फेस को आपने ज़रूर चेक कर लेना है, ये फेस जो है वो आपका पैरेलल में होना चाहिए एक दूसरे के, तो ये ज़रूर आपने चेक करना है दोनों साइडों का। उसके बाद जो है ये जो वेल्डिंग उभरी हुई है इसको जो है एंगल ग्राइंडर से जो है आपने अच्छी तरह से जो है वो बराबर कर लेना है। तो अभी हमारा ये डोर फ्रेम जो है वो बनकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं ये वेल्डिंग वगैरह करके जो है हमने तैयार कर लिया है। इसके नीचे वाले हिस्से में जो है दो सरिये जो हैं वो वेल्ड किए जाते हैं लास्ट में, ताकि ये दोनों कोने जो हैं वो एक दूसरे अंदर वाली साइड को ना चले जाएँ, जो साइज़ इसका ऊपर है वही साइज़ जो है वो यहाँ पर रहे। इसके लिए जो हमने दो सरिये जो है वो आर पार वेल्ड कर दिए हैं, इनको हम बाद में निकाल भी सकते हैं और जो हमारा मार्बल पड़ता है उसके नीचे भी हम ज़मीन के अंदर भी इसको जो है वो दे सकते हैं। और जब हमने इसको लगाना है तो यहाँ पर जो है एक स्पोटें जो है वो हमने बाहर की साइड को जो है वो दो जो है वो वेल्ड करनी है, दो इस साइड में और दो इस साइड में, जिससे ये ईंटों के बीच में जो है इनकी अच्छी तरह से जो है वो पकड़ा जाती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से GI मटेरियल की जो है वो डोर फ्रेम जो है वो अपने आप बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।